आईआईटी बनारस के 215 सीसीटीवी कैमरों की जांच, इंस्टाग्राम पर आरोपी बताकर वायरल कर दी युवक की फोटो। गन पॉइंट पर छात्रा के उतरवाए थे कपड़े। आईआईटी बनारस में बीटेक सेकेंड ईयर की छात्रा के साथ छेड़छाड़ के 72 घंटे बाद भी वाराणसी पुलिस के हाथ खाली है। स्पेशल टास्क फोर्स, एसटीएफ, क्राइम ब्रांच और सर्विलांस सहित कुल 6 टीमों को 3 आरोपियों की तलाश में लगा दिया गया है। हर दिन 6 से 7 संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। लंगा थाने में वाराणसी की पूरी पुलिस लाइन आ गई है। कैंपस के आसपास 215 सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा चुके हैं। तीनों आरोपी हैदराबाद गेट से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए, उसके बाद हाईवे की रोड पर उसके बाद की लोकेशन क्लियर नहीं हो पाई है। कुछ संदिग्धों में से एक युवक की फोटो पीड़िता को दिखाई गई, जिसे पीड़िता ने पहचानने से इनकार कर दिया। इस बीच इंस्टाग्राम पर इसी युवक की तस्वीर वायरल कर दी। गुरुवार को छात्रों ने 11 घंटे लगातार विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद सुरक्षा और बाउंड्री वॉल बनाने पर लिखित तो नोटिस मिली। छात्रों ने धरना खत्म कर दिया है। इस घटना के 2 दिन बाद कैंपस पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। घटना स्थल पर काफी चौकसी बरती जा रही है। वहीं कैंपस में असुरक्षा और दीवार बनाने के विरोध में अब बीएचयू कैंपस में जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। साथ ही बीएचयू का सिंह द्वार यानी कि मेन गेट पर 36 घंटे से छात्रों का कब्जा है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।